हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ओके, तो अभी तक हमने उसका बेसिक फंक्शन देखा और डीसी लोड लाइन एनालिसिस देखा और एसी लोड लाइन एनालिसिस भी देखा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। ये एसी के केस का डायग्राम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब ये कहलाता है आपका कि गेन को विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी अगर आप मेजर करोगे, गेन को विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी अगर आप मेजर करोगे, इस लाइन पे आपका गेन रहेगा और यहां पे फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये गेन क्या होता है? गेन होता है आपका आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो वी आउट डिवाइड बाय वी इन, इसको बोलते हैं गेन। ठीक है, तो यहां पे वी आउट है, वी इन है। हाँ, यहां पे यूनिट क्या है? जैसे ये फ्रीक्वेंसी है तो ये तो हर्ट्ज में है और यहां पे ये किस में होगा? गेन डीबी में, डेसिबल में। ओके, तो वी आउट डिवाइड बाय वी इन, बट यहां पे यूनिट क्या हो गई? डीबी हो गई, डेसिबल हो गई। ठीक है, तो ये इसको देखते हैं। पहले तो हम वी आउट डिवाइड बाय वी इन इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको डीबी में ले जाएंगे एंड देन ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इज टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ एसी इनपुट सिग्नल। जो एम्पलीफायर का बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो उसको इंक्रीज करना, उसके लेवल को इंक्रीज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पे? द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज टू द एसी इनपुट वोल्टेज। जो एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है तो वो क्या है? एसी आउटपुट डिवाइड बाई एसी इनपुट। है ना, तो यहां पे एसी आउटपुट देखते हैं कितना आएगा। पहले तो जो एसी लोड है, जो मैं कल बताया था एसी लोड, तो वो कितना होगा यहां पे? एसी लोड आर ए सी। आर ए सी क्या है? आर सी पैरेलल विथ आर एल, है ना। फिर नेक्स्ट यहां पे अगर आप एसी आउटपुट देखो, एसी आउटपुट तो वो कितना होगा? आउटपुट वोल्टेज मींस वी आउट, वी आउट कितना होगा यहां पे? आई आर मींस आई सी इंटू आर ए सी, जो भी यहां पे रेजिस्टेंस है, इनटू दिस करंट आई सी, है ना। फिर नेक्स्ट एसी इनपुट वोल्टेज कितना होगा यहां पे? एसी इनपुट वोल्टेज वी इन, वी इन कितना होगा? आई बी, इनपुट करंट यहां पे बेस करंट है, तो आई बी इंटू आर इन। अब आर इन यहां पे क्या है? आर वन पैरेलल विथ आर टू, है ना। तो वोल्टेज गेन की अगर बात करूं मैं, वोल्टेज गेन तो ए वी से डिनोट करते हैं बेसिकली, तो वी आउट डिवाइड बाय वी इन। तो वी आउट कितना है? आई सी इंटू आर ए सी डिवाइड बाय आई बी इंटू आर इन। अच्छा, आई सी डिवाइड बाय आई बी ये क्या कहलाता है? बीटा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, IC डिवाइड बाय IB क्या कहलाता है? बीटा। तो बीटा इंटू आर ए सी डिवाइड बाय आर इन, ये आपका हो गया क्या? वोल्टेज गेन, है ना। अच्छा, यहीं पे अगर मैं पावर गेन की बात करूं, अगर मैं इसी में पावर कैलकुलेट करूं इसी सर्किट के लिए, तो पावर क्या होगा आपका? एपी पावर गेन होगा आपका पी आउट डिवाइड बाय पी इन। तो पावर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर को पावर बोलते हैं, मींस वी इंटू आई। तो वी क्या है? आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा ना, यहां पे आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर, ये हुआ आपका पावर। ओके, तो पी आउट तो आई सी स्क्वायर आई सी स्क्वायर इंटू आर ए सी डिवाइड बाय
आई बी स्क्वायर इंटू आर इन। तो आई सी डिवाइड बाई आई बी को क्या लिखते हैं, बीटा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर आर ए सी डिवाइड बाई आर इन। ओके, तो ये आपका वोल्टेज गेन आ गया, ये पावर गेन आ गया। हालांकि पावर गेन का अभी फ्रिक्वेंसी रिस्पांस में ज्यादा यूज नहीं है, बट इसको देखेंगे, इसी से एक्चुअली डीबी में कन्वर्ट होती हैं यूनिट्स। ठीक है, तो ये आया अपना वोल्टेज गेन ए वी, बीटा आर ए सी डिवाइड बाई आर एन, इस सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए। अब हम इसको डीबी में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे गेन को डीबी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली उसको जो डीबी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डेसिबल गेन। तो डेसिबल गेन बेसिकली गेन ऑफ एम्पलीफायर होता है, ठीक है, जैसे कि बेल या डेसिबल कहते हैं। ठीक है, बेल या डेसिबल, डेसी मतलब कि 10, ठीक है, डेसिबल मतलब कि, डेसी मतलब कि होता है 10। ठीक है, जैसे हेक्सा मतलब 6 हुआ, ऑक्टा मतलब 8, तो ऐसे डेसी मतलब 10। तो पावर को अगर आप गेन में कन्वर्ट करोगे, तो डीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 10 आया, और इसको लॉग में जब ले जाते हैं, पी आउट डिवाइड बाय पी इन को लॉग बेस 10, यहां पे बेस जो है वो आपका क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 लॉग 10 इंटू पी आउट डिवाइड बाय पी इन, जब इस फॉर्मेट में आप लिख देते हो पी आउट डिवाइड बाय पी इन को, तो वो डीबी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, सपोज अगर 0.78 आ गई, तो उसको फिर हम डीबी लिखेंगे अब, है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यहीं पे मेरे को वी आउट और वी इन भी लिखना है, मींस वोल्टेज गेन लिखना है, तो वोल्टेज गेन 10 लॉग 10 पी आउट, पी आउट यहां पे आप चाहो तो आई स्क्वायर आर लिख लो, एक्चुअली फिर करंट आ जाएगा, एक मिनट, वी आउट स्क्वायर डिवाइड बाय आर भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय वी इन स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, अगर ये दोनों आर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं किसी एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए। ठीक है, तो यहां पे आर आर आपका जो है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 10 लॉग 10 वी आउट डिवाइड बाय वी इन होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, कि अगर ए लॉग, यहां पे बेस 10 है या बेस कुछ भी है, ए लॉग या एल एन भी है ना, ए लॉग बी स्क्वायर है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2a भी लिख सकते हो, 2a log b, है ना, log लिखा है तो बेस 10 है, अगर ln लिखा है तो बेस e होता है फिर, है ना, अगर कहीं पे भी सिर्फ ln लिखा है तो मतलब उसका बेस e है, अगर लिखा है कि ln 5 तो आपको ये मान के चलना है कि बेस यहां पे e है, अगर log लिखा है तो बेस 10 है। ओके, या 5b है, मतलब लॉग के केस में तो कुछ भी हो सकता है, बट ln लिखा है तो अगर नहीं लिखा कुछ भी तो वहां पे बेस e लेना है। ठीक है, ये नेचुरल लॉग कहलाता है, यहां पे आपको बेस e लेना है, अगर लॉग लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा नीचे तो बेस 10 लेना है, अगर वैल्यू चेंज उसको करना है तो फिर वो वहां पे मेंशन करेगा, अगर लॉग 5 है तो उसको 5 वहां पे मेंशन करेगा, और अगर कुछ नहीं लिखा तो आप बेस 10 ले लीजिए। ओके, तो ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पे भी क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 log 10 v out डिवाइड बाय v in। तो जो वोल्टेज गेन हुआ यहां पे आपका, वोल्टेज गेन 20 log 10 v out डिवाइड बाय v in हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपका अगर करंट गेन कैलकुलेट करना है, करंट गेन कैलकुलेट करना है तो 10 log, इस पावर वाले फॉर्मूले में मैं लिखता हूं, आई स्क्वायर आर आई आउट स्क्वायर आर डिवाइड बाय आई इन स्क्वायर आर। अब आर से आर फिर से कैंसिल, फिर ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, एंड देन 2 आगे आ गया, तो ये हो जाएगा 20 log, ये ए वी हुआ और ये ए आई हो जाएगा, 20 log
आई आउट डिवाइड बाय आई इन, ओके। तो ये हुआ आपका वोल्टेज गेन और करंट गेन। अब इस गेन को उस एसी सर्किट के लिए अगर आप प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसे प्लॉट करोगे गेन, तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये F1 हुआ, ये F2 और ये FR। यहां पे F1 जो है तो उसको बोलेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F2 को बोलेंगे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और FR को बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एफआर को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी आपकी 0.707, ठीक है। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? 0.707। तो यहां पे एक बैंडविड्थ की डेफिनेशन बन रही है, उसको देखते हैं क्या है। तो बैंडविड्थ की यहां पे डेफिनेशन क्या बन रही है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच गेन इज इक्वल टू और मोर देन 70.7 ऑफ मैक्सिमम गेन, ठीक है। मींस जब आपका गेन 70.7 के बराबर या उससे ज्यादा है, 70.7 के बराबर या उससे ज्यादा जब गेन है, तो उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ। तो 70.7 से ज्यादा गेन कब है? जब F1 और F2 के बीच में आपका ये गेन वेरी कर रहा है, उस पॉइंट पे आपका जो रेंज है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ, ठीक है। तो यहां पे बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी आपकी? F2 माइनस F1 मींस हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको करेंगे हायर माइनस लोअर, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या कहलाएगा? बैंडविड्थ कहलाएगा, ओके। अच्छा, इसको हम 3 डीबी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक आने में कितने डीबी का लॉस होता है, वो 3 डीबी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसको 3 डीबी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे इस पॉइंट को। ठीक है। तो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ओके। थैंक यू।